गुनु यार हाँ ये आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं भरत गलिया स्वागत करता हूँ आपका एक और नए ब्लॉग में। लग गए हैं गुन्नू, मैं और गुन्नू की मम्मी, मतलब मेरी सारी परिवार खेतू की तरह। श्रीमती जी को तो बहुत जल्दी है वैसे भी। ओहो, गुन्नू के हाथ में रोटी, रोटी खाते हुए जा रही गुन्नू ना। और इसको ना हम फालतू चीजें नहीं देते हैं गुन्नू को, हैं? बीडी। अभी गुन्नू और मैं दोनों पहुंच गए हैं खेत में, और यहाँ पे जुटे हैं बैल, और आज बैलों के मालिक आ गए हैं, तो बैल ऐसे चल लेना दबा के, और मेरे से तो चल ही नहीं रहे थे, तो आज थोड़ा सा छुट्टी है मेरी हलवाने की। तो यहाँ से पानी आ गया है खेत में, और खेत की जुताई हो गई है, अब है इसकी बुआई, आज सही चल रहे हैं ये। इसके बाद फिर नीचे को कूना बगड़ वाले शहर में माना है, और यहीं पे है दोस्तों सामने बड़े भाई साहब का घर, ऊपर चाची का घर और पंचायत घर, ऊपर है मेरा हमारा। और यहाँ पे ना साण लग के अब ये जो मिट्टी है उसको बराबर किया जाएगा, ताकि बाद में जो खेत में पानी लगाते हैं ना उसमें आसानी हो, इसलिए खेत को बराबर करना पड़ता है। स्कूल के बच्चे भी गाड़ी का वेट करते हुए अभी, और थोड़ी देर में आएगी गाड़ी, तो ये सारे नव प्रभात पब्लिक स्कूल के बच्चे और मैडम, राघव और मिन्नू दोनों लग गए हैं स्कूल के लिए, तो इनको छोड़ के आना है, आज मेरी ड्यूटी है। चलो बेटा, मैं गुन्नू और रॉकी जा रहे हैं, राघव मिन्नू भी मस्ती करते हुए स्कूल की तरफ, और साथ में हमें बिट्टू भी मिल गया है दुगलू, और गुन्नू थक गई है तो कंधे में आ गया, अब ऐसे थक के कंधे में अब नहीं चल पा रही है। और यहीं पे है दोस्तों राघव मिन्नू का स्कूल, राजकीय प्राथमिक विद्यालय लामाबगड़, और जो हमारा गांव पड़ता है ना ये लामाबगड़ बोलते हैं यहाँ। चलो, और राघव मिन्नू को लेने के लिए उनके दोस्त लोग आ गए हैं, आयुष और रोहित। दोस्ती बड़ी गंभीर है, तो चले हैं अभी आगे की तरफ, स्कूल में घुमा के ले आते हैं। और हमारी गित्तू भी यहीं पढ़ती है। गित्तू तो कितने में पढ़ती है, हैं? दो में। खुशी पाइप में। और आयुष कितने में पढ़ता है? फोर्थ। पप्पू? और ये है दोस्तों स्कूल के नज़ारे, जो कि आ चुके हैं बच्चे, और राजकीय प्राथमिक विद्यालय लामाबगड़, मेरा फर्स्ट स्कूल। और इधर ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, और ये हुआ करता था हमारा क्लासरूम, ये वाला पहले फोर्थ में ये वाला था, फिफ्थ में ये वाला, और बाकी तो ये तो उस टाइम पे इसके नीचे खड़ंचा भी नहीं था, मिट्टी में बैठते थे। और आज तो रॉकी भी स्कूल ही आया है, इतने सारे बच्चे लोग हैं, और गुन्नू भी आई है आज, खुशी ने पकड़ी हुई है गुन्नू यार हाँ ये। और यहाँ पे मन्नु आज स्कूल नहीं गया, आज से छुट्टियाँ पड़ ली है ना, तो ये भी स्कूल नहीं गया बैसानी। और इधर जुटे हैं बैल, प्रकाश दा, भावना, भाभी जी धान की बुआई करके अब मडुआ बो रहे हैं, ये ऊपरों वाला शहर है तो इसमें बोते हैं मडुआ, और यहाँ से हमारा पूरा गांव दिखता है आगे को। इधर ये प्रियागढ़, पंडित लोग रहते हैं यहाँ पे हमारे गांव के, और नीचे घनश्याम नगरी, और ये सामने कल्याणेश्वर मंदिर। खाओ खाओ रोटी, यहाँ पे चल रहा है चाय नाश्ता रोटी, और मेरे को चाय मिलेगी करके मैं भी आ गया हूँ, है चाय? और श्रीमान पुरंदर जोशी जी भी यहीं पे, इन्हीं के बैल जुते हैं, इन्हें धान बो के आप मडवे की बुआई कर रहे हैं। हुजा हीरा ये जय करो, जय जय पागल दे
भौजी से गले मिल रही है गुन्नू, और कब से नराई लगी थी उसको हैं? बहुत सालों से। आज 3 दिन के बाद जुत रहे हैं बैल, और इस शहर में भी मेला जैसा लगा हुआ है, सबके बैल यहीं जुते हैं। कुछ अभी आएंगे, कुछ जोत के चले गए हैं यहाँ से, और गुन्नू और मैं तो ऐसे जा रहे हैं हाँ कंधे में बैठ के। प्रशांत बाल सब खींच दिए हैं इसने गुन्नू ने, ना ऐसा कर रही है गुन्नू मेरे साथ। तो हम भी चल रहे हैं राघव मिन्नू को छोड़ के अब अपने खेतों की तरफ, और नीचे खेतों के रास्ते जा रहे हैं। ये रास्ता है, और रॉकी को पहले से पता है, तो रॉकी आगे जा रहे हैं यहाँ से होते हुए, और हमारे बैल जो जुते हैं वो सामने जुते हैं यहाँ पे। तो हमारा सबसे बड़ा खेत ना ये वाला है, और ये मेरे बुबू को जेठून में मिला था, फिर उसके बाद मम्मी का ये बुढ़चार में है ये वाला खेत, और इधर से ऊपर 3 खेत यहाँ साइड रखना है आज, इसको बाना है, और फिर ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, मतलब इस शहर में जितने भी खेत दिख रहे हैं ना हमारे ही हैं ये, बस ये रखना है। बैलू को भी अभी नाश्ता दे दिया है, और हमारा भी नाश्ता आ गया है, तो हम भी नाश्ता करते हैं, और तो रॉकी भी खाने में लगा है, सबका नाश्ता हो गया। गुन्नू ने परेशान कर रखा, खाली भी रो जा रही है, अभी मुंडी हिला रही। तो बड़े खेत में हो गया है पानी, और अब जोतते हैं इसमें बैल। हाँ बैल ऊपर वाले में है, चलिए जी करते हैं फिर इसका काम अब। चाची ने भी पूरा पिरूल फैला दिया है ये चीड़ की पत्तियाँ, अब लगाएंगे इसमें आग, जो कि ये हरे हरे ऊपर वाली घास है ना सब जल जाएगी है। और चाचा जी ऊपर घास काटने के लिए गाय के लिए, और हमने भी ये वाला खेत सा दिया है, मतलब इसका काम हो गया है, अब इसमें डालेंगे बीज। और दीपू यहाँ पर है ही नहर में पानी सूख गया है, इतना सा पानी आ रहा है, इसमें पानी नहीं होगा ये खेत, और बहुत टाइम लग जाएगा, और इसलिए मैं जा रहा हूँ पानी बूझने के लिए ऊपर से। पानी लेके आते हैं खेत में, लगाएंगे फिर जाके, लास्ट खेत है आज का। आज का काम बहुत जल्दी हो गया है, करीब 10 बज रहे हैं अभी, 11 बजे तक बैल खुल जाएंगे। तो पहले तो पानी लेके आते हैं, पानी मिलेगा तो ही जल्दी होगा, नहीं तो पानी नहीं मिलेगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे पहुँचते हुए सीधे नहर में आ जाते हैं, शॉर्टकट रास्ता, और नीचे है कनलगढ़ नदी, जीवन देनी हमारी। एक तो यहाँ पे से तोड़ा हुआ है ये, और ये वाला खेत में डाला है वो मुन्ना सेठ ने, और नीचे बैल जुते हैं, इसको इतनी अकल नहीं कि बाद में डालते हैं पानी, पहले बैलों को करते हैं और बूझते हैं पानी ये नीचे की तरफ। और आगे बढ़ते हुए एक यहाँ पे थोड़ा है पानी है, बैल भी खुल के हमारे यहाँ पे आगे हैं, बिच्छी और हंसी, और आज तो नहलाया भी नहीं है इनको। ओह, और इसका कान लग गया, देखो ये छिक्कल आ गया ना इधर इसके गर्दन पे, इस दर्द था। ओहो, ये पूरा ठोस हो गया है। खेतों का काम करके अब चले भैया घर की तरफ, लग गया है खाना, तो अब खाने की तैयारी भी होगी है। आज तो राजमा चावल बनाए हैं, चलो खाने का आनंद लेते हैं अब। तो खा लिया है दोस्तों अभी खाना, और शायद मुर्गियों की गाड़ी भी आ गई है, आज सैटरडे है, तो और मुर्गियां भी ख़त्म हो रही थी दुकान में, तो चलता हूं अभी दुकान की तरफ अब। और आज भी 1:30 बजे खुली है दुकान, तो अब उतारते हैं मुर्गियाँ, आगे है गाड़ी, मैं भी पहुँच गया हूँ। और सुन भाई, जरूरी ये रोज गुस्सा हो जाता है। अभी दोस्तों उतर गई हैं मेरी भी मुर्गियाँ, और कुछ ठंडा का सीज़न है ना, गर्मियों का सीज़न है, तो कुछ ठंडा मैंने उतार लिया है अंदर तक, 4-5 पेटी करीब, 3-4 हज़ार का माल ये, तो रखते हैं इनको, लगाते हैं फ्रिज में। अभी होने लग गई है दोस्तों अभी तेज़ तेज़ की बारिश, और सामने बैल भी जुते ही हैं, और अब खेत फाइनली होगा तो ही खुलेंगे, चाहे कितनी तेज़ बारिश लग जाए। और ये सामने वाले शहर में भी अभी
प्रधान जी लगे हुए हैं, सुरेश राम कनेरा जी। पहाड़ों में दोस्तों यही चैलेंज रहता है, और तेज इस बारिश में तो शायद कौन ही काम करना चाहेगा। और फिर भी हमारे यहाँ पे काम से पीछे ना हट के आगे, और यूं ही नहीं खेतों में हमारे अनाज हो जाता है, उसमें खून भी है और पसीना भी है हमारा, और यूं ही हमारे पहाड़ी रीति रिवाज जो हैं वो पहाड़ों में बचे रहेंगे। उम्मीद करते हैं आगे को आधुनिक मॉडर्न बनो, पर लेकिन अपने कल्चर को ना भूलो। शहरों में तेज गर्मी लग रही है, यूं ही नहीं उत्तराखंड को स्वर्ग कहा जाता है, और यही मौसम है, यही रीति रिवाज है, यही कल्चर है, इसकी वजह से ही उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। और इतनी तेज की बारिश लग रही है ना कि नीचे दुकान तक पहुंचने में मैं ही भीग जाऊंगा ना, यहाँ अंदर तक आ रही है बारिश। तेज की बारिश भी बंद हो गई है, और इस साइड के बैल भी खुल गए हैं, और यहाँ पे चल रही है अभी धान की बुआई, और ऊपर यहाँ अभी बैल जुते हुए हैं। मौसम भी टोटली चेंज हो गया है, ऐसा लग नहीं रहा है कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे इतनी तेज की बारिश हुई होगी। और गांव के नज़ारे भी काफ़ी खूबसूरत हो गए हैं। और पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था कि आप वीडियो कैसे बनाते हो, तो उन भाई को मैं बता देता हूँ कि मेरे पास एक फ़ोन है जो कि मैंने इसी ब्लॉग में दिखाया है, सैमसंग गैलेक्सी S21 FE। तो उससे मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, और BN यूज़ करता हूँ मैं एडिटिंग के लिए। बाकी की डिटेल की जानकारी फिर अगले ब्लॉग में देंगे। फिलहाल जो आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है वो काफ़ी सराहनीय है, उसके लिए दिल से आप लोगों को धन्यवाद। तो अब करते हैं अपना काम वीडियो एडिट का। शाम होने को आ गई है, टाइम भी 8:30 का हो गया है, और अभी मैं भी जा रहा हूँ हल्द्वानी वाले पंकज भैया की बेटे का फर्स्ट बर्थडे है। बर्थडे क्या करें, हमारे इंग्लिश इतनी कमजोर है ना, हम बर्थडे को भी बर्थडे बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म। चलिए जी पहुंच गए हैं, और नीचे घर है, अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। और एक बात है ना, वीडियो बनाते बनाते फ्लैश की लाइट से ना रास्ते भी क्लियर दिख जाते हैं। और इधर चला है बर्थडे का इंतजाम। ये है भैया पंकजा की मम्मी, हम मारने के लिए आ रहे हैं। और इधर बना रहे हैं खाना पीना अन्ना भाई। और ये है दोस्तों मदन सिंह बुबू जी तल्ला ग्वाल के बूजाम, और बड्डे बॉय। हेलो, निशा भी आई है, सपना, और बड्डे बॉय का डांस। वाह 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 वाह, क्या मजा। और ये है दोस्तों कमरा जहाँ पे बर्थडे मनाया जाएगा, केक के लिए रख दिया है, और सजावट हो रही है अभी। और भैया बड्डे बॉय नहीं आ रहा मेरे पास। भाई बोलो, भाई बोलो, भाई बोलो। बड्डे बॉय का नाम क्या हुआ? हर्षित गलिया, हर्षित गलिया का बर्थडे है दोस्तों आज। ये है दोस्तों हिमांशु की मम्मी, नाम तो मेरे को पता नहीं है, आज ही देख रहा हूँ मैं पहली बार। और इधर डेकोरेशन में लगा है तल्ला ग्वाल का फोन लगा है डेकोरेशन में। हैप्पी बर्थडे, जिसकी स्पेलिंग नहीं आती है तल्ला ग्वाल के फोन को, खाली हैप्पी हैप्पी की आती है, बर्थडे की नहीं आती है। चलो तैयार हो रहा है मामला। टाइम दोस्तों 10 बजने को आ गया है, और अभी तक मेरी भी वीडियो अपलोड नहीं हुई है, तो मैं भी बर्थडे से सीधे यहाँ आ गया हूँ। वहाँ तो अभी तैयारियाँ चली रही हैं, खाना बन रहा है, तो कभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा उधर। और वीडियो अपलोड करता हूँ, देखते हैं कितना टाइम लगता है, अगर टाइम सही रहेगा तो जाएंगे वहाँ को, और नहीं तो सीधे घर की तरफ। और आज का दगड़ है हमारा पीयूष बॉम्बे वाला, तो एक दो दिन में पीयूष भी जाने वाला है बॉम्बे की तरफ। सब्सक्राइब करो और बेल आइटम को ऑल पे करो ताकि आपको नोटिफिकेशन सुनाई दे। और पहाड़ी बुल चैनल जो भी लोग आते रहे आप रोज देखते रहो, और ऐसे हमारे भरत दा को सपोर्ट करते रहो। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, थैंक यू।